बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बहुत सिंपल तरीके से बताया। और कुछ फ्लॉज, मैं फ्लॉज तो नहीं कहूंगा एज एन, ये मेरी परसेप्शन है। एक होता है कि एक ब्लॉक इतना है बट प्रेजेंट किया गया इतना, इतने को छोड़ दिया। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज के आप इस पार्ट को हाईलाइट कर रहे थे कि भैया इसको भी साथ में ले लो, तो ये पूरा ब्लॉक आ गया। एक्चुअली दैट हुआ इज क्या वन। है, हुआ क्या ना कि लोगों ने इसकी खामियों से, देखो दो चीजें होती है, एक होती है ड्रॉबैक्स, एक होती है शॉर्टकमिंग्स, दोनों इंग्लिश के वर्ड्स हैं। यहीं पे सर फर्क थोड़ा बहुत है, 19-20 है। लोगों ने उसको उसमें अलग व्यू से सोचा, मैंने अलग व्यू से देखा हुआ है कि हाउ मैंने देखा, हाउ दिस बिल कैन बी इम्प्रूव, मैंने उस नजर से बिल को देखा, लोगों ने बोला इसमें कमियां क्या है उससे देखा हुआ, फर्क वहीं पे है। मैं किसी भी चीज को एज ए कमी नहीं देखी, उसको इंप्रूव करो, कमियां, वंस यू इंप्रूव, कमियां खुद ही खत्म दूर हो जाती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो देयर इज अ रूम, देयर ऑलवेज इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो आप हाईलाइट करने की चेष्टा अभी आपने की। अब एक बात ये है कि डू यू बिलीव कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आज आज जैसे मंडी में माल जाता है, ट्रक्स आते हैं, जो आप धर्मकांटा कह रहे हो वो थोड़ा सा कहीं ट्रेडिशनल वे है। जो जो पुरानी रीत है, जो पुरानी रीत है, जैसे एक एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं कि लैंडलाइन होती थी एक जमाने में। हमने जब, मुझे याद है कि बॉम्बे में जब मेरे पेरेंट्स ने लैंडलाइन के लिए एप्लीकेशन दी, 10 साल लगे घर में लैंडलाइन लगी और टेलीफोन का डब्बा आया, 10 ईयर्स, राइट। और उसका फिर बिल आता था, और बिल पे करने के लिए कोई एक जगह जा करके आप लाइन में खड़े रहो एंड यू पे द बिल। ये मैंने देखा हुआ है। दैट इज वन। नाउ कम के खोल दिया टेलीकम्युनिकेशन का मार्केट, ठीक है। अब आप मोबाइल फोन भी ले सकते हो, दो मोबाइल फोन भी रख सकते हो, दो सिम कार्ड रख सकते हो, यू कैन चेंज द प्लान्स और यू कैन चेंज द सर्विस प्रोवाइडर। तो एक जमाना था जब आपके घर पे वायर्ड फोन है, आपको फोन अगर करना है तो आपको फोन के पास जाना पड़ता था। एक आज का ये है पोजीशन कि आप फोन, दो फोन जेब में लेकर के आप कहीं पे भी हो, यू कैन टॉक टू पीपल, यू आर कनेक्टेड विद पीपल, एंड नॉट ओनली टॉक, इट्स ऑडियो विजुअल, इट्स मल्टी मीडिया। तो ये सारी एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजिकली, सर्विस वाइज, राइट। तो मेरी रीडिंग ये है फॉर दिस 3 बिल्स के अब तक लैंडलाइन के तरीके में लोग अटके हुए थे विद इन फार्मिंग इंडस्ट्री। तो ये एक छोटी सी एक एक स्टेप है टूवर्ड्स ओपनिंग अप, टू ब्रिंग इन मोर ऑप्शंस, टू ब्रिंग इन मोर वराइटी, सो दैट द फार्मर कम्युनिटी कैन चूज कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये एक चेष्टा है ये बिल की, ये मुझे लगता है, यू कैन ईदर करेक्ट और यू कैन डिनाई दिस, कि फार्मर्स को ज्यादा ऑप्शन देने की दिशा में ये बिल्स हैं। विपुल जी, जो आपने बोला, मुझे इससे ये समझ आया कि यू वांट टू चेंज द सिस्टम जहां पे जो आप सबसे पहला आपका पॉइंट एक जो था, रिफॉर्म, कायापलट, बदलाव, परिवर्तन, राइट। अब परिवर्तन जो होता है वो कहीं एक छोटे स्टेप से शुरू होता परफेक्ट परफेक्ट यस है। एक 360 डिग्री का परिवर्तन ओवरनाइट नहीं आता है। बरोबर। देखिए जो आप जो बोल रहे हो, ये देखिए, इस ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, ये संभव है और ये हो रहा है। आपने मल्टी लेवल फार्मिंग के बारे में सोचना होगा। मल्टी लेवल मतलब एक ही जमीन पे, आप जो जमीन के नीचे उगता है, जमीन पे उगता है, जमीन के ऊपर उगता है वो, या एक और बोलते हैं कंपोजिट फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें आप दो तीन एक साथ उगाते हो। फिर बोलता है सीजनल फार्मिंग होती है कि
कि भैया आप गर्मी में एक ही जमीन पे आप कुछ, ये सभी अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि पहले आप अनार कहां पे मिलते थे ज्यादा, पहले अनार महाराष्ट्र नागपुर साइड, मतलब महाराष्ट्र में ज्यादा होते थे, नॉर्थ महाराष्ट्र के साइड से जहां पे गर्मी होती है वहां पे अनार उगते थे। लेकिन आपने कभी सुना था कि राजस्थान विल लीड इन द अनार प्रोडक्शन? अभी राजस्थान इज लीडिंग, आप वर्ल्ड के स्टैट्स, इंडिया के स्टैट्स देखोगे कि अनार कहां पे ज्यादा उग रहे हैं वो राजस्थान आ रहा है। क्यों? राजस्थान की जो जमीन है, अनार एक ऐसा प्रोड्यूस है जिसको पानी कम लगता है। अब राजस्थान में ऑलरेडी पानी की दिक्कत थी, तो उन्होंने जब वहां पे फार्मिंग के लिए जो साइंटिस्ट वहां पे गए, उन्होंने बोला कि आप क्या उगा रहे हो? बोले हम तो गेहूं उगा रहे हैं, हम तो चावल उगा रहे हैं। वो आपकी फार्मिंग तो उसके लायक ही नहीं है, आप क्या क्यों उगा रहे हो गेहूं और चावल? चावल को तो पानी में सबमर्ज रहना पड़ता है, आप नहीं उगा सकते हो राजस्थान में ये चीजें। बोले सर हम तो स्टेपल फूड वही खाते हैं। बोला ऐसा खाते हो ठीक है, उसको खरीद के खाओ ना। जवाब आया खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। बोल पैसे आप वो पैदावार उगाओ जिससे आप कमा सकते हो। बोला क्या उगाएंगे? बोलेंगे हम आपकी जमीन सॉइल की टेस्टिंग करेंगे। सॉइल की टेस्टिंग की गई तो 80% राजस्थान की सॉइल पे बोला गया अनार इजीली उग सकता है। तो जिसको बोला जाता साइंटिफिक फार्मिंग। आपको पहले पता ही नहीं है आपकी जमीन पे क्या उगेगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, यही तो चीजें होती है। वैसा ही मेरी फसल से, मेरी जमीन से क्या गेहूं उगेगा या चावल उगेगा? कौन सा चावल? वो भी बासमती चावल उगेगा। डॉक्टर में भी MBBS, BDS का ही नाम ही नहीं है सर। हाँ? तो लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपके आपका जो बच्चा है वो कितना कैपेबिलिटी है उसमें और कुछ बनने की कैपेबिलिटी हो सकती है। इंजीनियर और डॉक्टर नहीं है तो वैसे चावल है, गेहूं ही नहीं है, कपास है, तंबाकू है, ऐसी बात नहीं हो सकता कि और है। तंबाकू भी तो एक ये प्रोड्यूस है, इसमें क्या है? कपास काली मिट्टी जहां पे वहां कपास उगता है तो ठीक है ना। आप यू कैन नॉट प्रोड्यूस व्हाट यू कैन ईट, बट यू कैन प्रोड्यूस व्हाट यू कैन सेल। तो वो चीज है, वो मेंटालिटी हमको पहले चेंज करनी है। तो वी हैव टू गो फॉर साइंटिफिक फार्मिंग और वी हैव टू कंसल्ट पीपल, वी हैव टू कंसल्ट दी साइंटिस्ट बिफोर वी स्टार्ट एनी कल्टीवेशन। हर साल ऐसी बात नहीं, इस साल देखिए होता क्या है कि अगर हम एक पैदावार आज लगाते हैं, अभी ये हरियाणा पंजाब की बात आती है, वहां पे पाली जलाई जाती है, जाती है ठीक है। तो बोलते हैं जलाने से क्या होगा कि एक तो वो जमीन फर्टाइल होती है ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे उसको अगली फसल। लेकिन अगर आपको पता रोटेशनल क्रॉप सिस्टम रहता है, रोटेशनल क्रॉप सिस्टम क्या होता है कि अगर आपने आज आलू उगाया, आलू उगने से आपकी जमीन फर्टाइल बनती है किसी और चीज को उगाने के लिए। दोबारा आलू मत उगाओ उसके ऊपर, आलू जैसे निकालो अब गन्ना उगाओ। मैं आई जस्ट गिव एग्जांपल, ये स्टेप्स मेरे गलत हो सकते हैं लेकिन इसको बोलते हैं रोटेशनल फार्मिंग। आप एक प्रोड्यूस निकालने के बाद आप उस पर दूसरा प्रोड्यूस करो जो कि जिसको फायदा मिलेगा आपकी प्रीवियस प्रोड्यूस से। वो कब पॉसिबल है? व्हेन यू डू साइंटिफिक फार्मिंग। सो आजकल के किसानों को जो फार्मिंग है इसको बदलने की जरूरत है। बेचने का तरीका मत बदलो, बेचने का तरीका ठीक है सर, चेंज करने की जरूरत है, वो हो रहा है लेकिन एक दिन में कोई रिफॉर्म नहीं आ सकता है। वी कैन नॉट चेंज दिस थिंग इन वन डे। हो रहा है ठीक, इस फार्मिंग बिल में दो चीजें कर दो ऐड, फार्मिंग बिल 90% तक ठीक हो सकता है। दो चीजें खाली ऐड करने की बात है, एक तो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आयोग और दूसरा है किसान आधार कार्ड। ये दो चीजें डाल दो, 80% तो शॉर्टकमिंग दूर हो जाएगी। लेकिन हमको ये भी सोचना है कि हम कैसे हम इंप्रूव करें। आप मैं परसों फेसबुक पे एक किसी लेडी का वीडियो देख रहा था, शी इज फ्रॉम साउथ, उसने यूपी में एक अनफर्टाइल लैंड खरीदी, बंजर जमीन खरीदी। उसने बंजर जमीन को अभी देखिए, उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है, उसने गाय बैल जो भी जो कि डेजर्टेड है, जो कि दूध नहीं दे रहे हैं। अभी आप देखिए, उसने मुझे बोला कि द वे शी स्पोक, उसने गाय के बारे में बोला कि लोग बोलते हैं गाय दूध देती है और बच्चों को वही समझाया जाता है, गाय की चार टांगे होती है, लंबा सा दुम होता है और गाय दूध देती है, ये हमारे ऐसे में लिखा होता है। लेकिन गाय गोबर देती है, कभी बताया किसी ने आपको? सर गोबर
मेन प्रोडक्ट इज गोबर, बाय प्रोडक्ट इज दूध। दूध उतना ही गाय से मिलना चाहिए जितना वो हमको दे सकती है, बाकी उसके बचने के लिए रखो। मेन प्रोडक्ट गाय का गोबर है। उसने उसने बोला बोला कि आई एम यूजिंग द गौ डंग, मैं पहले उसके बच्चों को दूध पीने देता हूं, देती हूं, उसके बाद जो बचता है वो हम यूज करते हैं। बोलते हैं हमारा बिजनेस गोबर से चलता है। बोलते हम गोबर से, एक तो हम गोबर के केक बनाते हैं जो कि अर्थी वगैरह में जो आग लगाते हैं जब कोई मरता है तो लकड़ी की जगह वो यूज किया जाता है। बोलते हैं उससे हम अगरबत्ती बनाते हैं, और उससे हम क्या बोलते हैं हवन की लकड़ी बनाते हैं, उससे हम खाद बनाते हैं, और अपने खेत में भी जो मेरी बंजर जमीन थी उसमें हमने वही डाल डाल के, फिर बोला कि हम गेहूं से, कैसे बोला गेहूं में हम गुड़ डालते हैं, गेहूं और गुड़ के मिक्सचर को पानी में डाल के हम मिट्टी में मिलाते हैं, वो खाद बनती है। बोलते आज 3 साल पहले मैं बंजर जमीन थी, आज इस एरिया की सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर मैं हूं, और आज भी मेरे पास उतनी गायें हैं जितनी गायों पे मैं एक डेयरी फार्म, डेयरी शॉप नहीं डेयरी फार्म खोल सकती हूँ, लेकिन मैं दूध का धंधा नहीं करती हूँ। आज भी मेरा उनसे मैं गेहूं, मैं गायों से बैलों से मैं गोबर ही लेती हूँ, मैं दूध नहीं लेती। ये होता है, हमको माइंड सेट चेंज करना लोगों का, हम व्यवस्था को चेंज कर रहे हैं सर, व्यवस्था खुद चेंज होती है। आप माइंड सेट चेंज कीजिए, एजुकेट कीजिए फार्मर्स को, साइंटिफिक फार्मिंग की तरफ आ जाइए, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आइए। आप उसको उनको हथियार दे रहे हो, आप उनको पेस्टिसाइड दे रहे हो, ये पेस्टिसाइड डालो, आप उनको सिखा रहे हो सर। एक अनपढ़ किसान को कहां पता था कि भैया दूध कैसे बनता है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। जब तक मैं आपने उसको पेस्टिसाइड हाथ में दिए तब भी उसने पानी में डाल के देखा, भैया ये तो व्हाइट कलर हो गया, चलो ये दूध दूध बेच सकते हैं, ऐसे सिंथेटिक दूध आपने हमें तो दिया ना उसके हाथों में। तो ये चीज दोनों तरफ होता है कि व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू लर्न, अच्छी चीज भी होती है बुरी भी होती है, आप क्या पिक करते हो, दैट इज वन। सेकंड, कमिंग बैक के बचपन से, लाइक जब दूरदर्शन के जमाने से जैसे थोड़ा सा टीवी हम देखते थे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम होता था गवर्नमेंट का, जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती थी, हिंदी में भी हमने देखा सुना है और मराठी लैंग्वेज में भी शाम को आता था, आमची माती आमची मानसा करके एक प्रोग्राम आता था और कृषि के रिलेटेड वगैरह आता। कमिंग बैक के जैसे मीडिया का बढ़ा स्पेक्ट्रम, बहुत सारी चैनल्स आए, ये आया, अवेयरनेस आ रहा है लोगों का, सोशल मीडिया स्ट्रांग हो रहा है, अब बातें कर रहे हैं लोग प्रेजेंट करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बन रहे हैं, अलग अलग तरीके की फार्मिंग एक्टिविटीज पॉसिबल है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे कच्छ का, मैं आपको दो चीजें में बताता हूँ। अगेन ये मेरे आज से 20 साल पहले की मैं बात करता हूँ और एक एग्जांपल अभी का, दो एग्जांपल है मेरे पास। ये हम इजराइल की ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि कच्छ भी रेगिस्तान है, ठीक है, जैसे राजस्थान है वैसे कच्छ भी रेगिस्तान, पर हुआ ये कि ड्रिप इरिगेशन का जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल से हम लेके आए, हम मायने कच्छ, मैंने हम कच्छ, एंड देयर वी स्टार्टेड एग्रीकल्चर। और उस जमाने में वहां पे लोग स्ट्रॉबेरीज उगाने लगे, एंड दैट वाज अ वेरी लाइक अ पॉजिटिव न्यूज और सरप्राइज फॉर मी कि जो हमारे कच्छ में सिर्फ कांटों का झाड़ बनता था, बावर बोलते थे हम उसको, बावर, ठीक है, जिसको सिर्फ जानवर खाता था और उसमें इतने बड़े कांटे होते थे, लगता हमको लगा हुआ, ठीक है, बट तो वहां से स्ट्रॉबेरी का सफर। अच्छा, दूसरा, उसी बावर के झाड़ को, एंड वो भी किसी पुराने गवर्नमेंट की एक गलती थी कि उन्होंने वो बोले रेगिस्तान ने, इसके ऊपर हम ये बावर के सीड डाल देते हैं तो एटलीस्ट जमीन पे बावर उगेगा तो थोड़ी ग्रीनरी आएगी, ठीक है। उसी टाइम के थोड़ा सा बाद में, जैसे ये 20 साल मतलब 15 साल, लोगों ने क्या करा कि बोले बावर का झाड़ इतना मजबूत हो गया तो उसकी जो ट्रंक होती है, ब्रांच होती है, वो थिक हो गई, तो उन्होंने क्या करा, उसको काटा और उसका कोयला बनाया, एंड दे मिंटेड मनी। जैसे आपने अभी कहा ना कि भाई ये नहीं, ये करो, मेक मनी आउट ऑफ योर ओन प्रोड्यूस। अब लास्ट में, ये पिछले 5 साल की बात बता रहा हूं, और इसको अभी जैसे मोदी साहब ने भी इसका जिक्र किया अपने वन ऑफ द स्पीचेस में कि कच्छ में अभी ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग हो रही है,
ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट अच्छे, मतलब हमारे भी एक जानने वाले रिश्तेदार हैं, उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करी हुई अभी। एंड दैट गाय इज अ वेरी यंग ब्लोक, दैट गाय हैज इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट ईयर एंड अ हाफ टू चेंज द लैंड। पहले ऐसे ही थी लैंड, फिर उसको ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया, जो उसको जरूरत थी। 1.5 साल उस लड़के ने मेहनत करी। और जो आप पॉइंट कह रहे हो ना कि जो इर्द गिर्द के जो किसान हैं, वो एक ट्रेडिशनल वे में बाजरी कर रहे हैं, ज्वार कर रहे हैं, अपना मूंग उगा रहे हैं या दूसरा कुछ, और जब इस लड़के ने किया तो लोग थोड़ा सा हंस रहे थे कि ये आज का आया हुआ लड़का ये मतलब एग्रीकल्चर और फार्मिंग करेगा और हम लोग इतने साल से क्या झक मार रहे हैं लिटरली। बट लड़के की 1.5 साल की, 2 साल की मेहनत, स्टडी करेगा, इन्वेस्ट करेगा, पैसा है उनके पास, मशीनरी में इन्वेस्ट करा और नो हाउ में इन्वेस्ट करा, थोड़ा सा स्टडी करा, एंड टुडे हिज होल फार्म इज यील्डिंग ड्रैगन फ्रूट्स रेडी टू बी कट एंड टू बी शिप टू द मार्केट। ये मैं सिर्फ एक कच्छ की एक पार्ट की बात कर रहा हूँ, और ऐसे दूसरे कई प्रोड्यूस डाले, यूकेलिप्टस डाला हुआ है कच्छ में, आपका मैंगोस डाला हुआ है, मैंगोस। तो जो आप कह रहे हो कि जो जमीन के लैंड की जो कैपेबिलिटी है या आप क्या कर सकते हो, जैसे अब मेरे मतलब गोइंग बैक के मेरे पास एक के भी मान लो रेगिस्तान वाली जमीन है, धूल मिट्टी, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बिल्ड अ स्मॉल फेंस और उसके ऊपर आप ये जो गोबर है या एक रिच सॉइल वाला है उसका एक लेयर कर दो और वो मिट्टी उसी के ऊपर रहेगी, बहेगी नहीं। नीचे रेगिस्तान की धूल मिट्टी है, उसके ऊपर ये फर्टाइल है, एंड देन यू कैन ग्रो समथिंग बेसिस द वेदर कंडीशन। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, जब हम फ्लोटिंग गार्डन बना सकते हैं तब ये क्यों नहीं बना सकते हैं? आपको पता है डल लेक में किचन गार्डन बनाए जाते हैं सर। क्या कैसे बनाए जाते हैं? एक चटाई डाली जाती है मैट, जिसको पिकनिक मैट बोला जाता है, मैट के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, मिट्टी के ऊपर हम लगाते हैं वो पौधे जिसको जो बोलते हैं सबमर्ज्ड टाइप के पौधे होते हैं या जिसको ज्यादा पानी लगता है, वो उसकी खेती की जाती है। जब हम फ्लोटिंग गार्डन बना सकते हैं तो रेत में क्यों नहीं बना सकते हैं? वही कह रहा हूं कि तो साइंस और टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। अच्छा, कमिंग जो आपका एक मेन पॉइंट था कि भाई रेलवे ट्रैक हो गई, रेलवे चला दी पर प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, अग्री, फुली अग्री। अब 125 करोड़ की जनता है, ठीक है, एवरीबडी इज अ डिफरेंट थिंग। अब आपको, आप अगर एक चीज करने जाओगे कि ये ठीक हो जाएगी इसके बाद मैं ये करूंगा, वी आर लूजिंग ऑन टाइम। ये भी करो, ये भी करो, सब कुछ करो। आज समझ रहे हो, आज जैसे मुंबई का एग्जांपल देता हूं, मुंबई एयरपोर्ट है, बहुत पुराना एयरपोर्ट है। अब उस एयरपोर्ट के अगल बगल में पूरी धारावी झोपड़पट्टी है, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो झोपड़पट्टी हट जाए उसके बाद हम एयरपोर्ट का थोड़ा सा ये करेंगे वो करेंगे, डजंट वर्क दैट वे। अब उस एयरपोर्ट को रखा हुआ है, आज इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, जा रही हैं, बॉम्बे में डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है। अब वो क्या कर रहे हैं, नवी मुंबई के तरफ एक दूसरा एयरपोर्ट बना रहे, जिसकी प्रक्रिया पिछले 20 साल से तो मैं देख रहा हूं। पर ये मैं एक बेसिक प्रॉब्लम बता रहा हूं कि एयरपोर्ट इज फंक्शनिंग 24/7। धारावी में लोग शादियां करें, बड़े हुए बच्चे उन वहां से वो निकले, व्हाटएवर दैट इज हैपनिंग। दिस सेकंड एयरपोर्ट इन नवी मुंबई साइड, दैट आल्सो इज हैपनिंग स्लो एंड स्टेडीली। बट मतलब कहने का मुद्दा ये है कि हर चीज को आप टच बेस करो और उसमें प्रोग्रेस करो। अब जैसे नितिन गडकरी साहब है एग्जाम्पल, रोड्स बना रहे, फूड स्टोरेज का फैसिलिटी बना रहे, कोल्ड स्टोरेजेस बना रहे, रास्ता अगर नहीं है तो पानी के रास्ते से गुड्स का मूवमेंट शुरू करवा रहे, राइट? लेकिन जो आपने जो आपने बोला, समय का अभाव भी है यहाँ पे, तो हम लेट्स कट इट शॉर्ट। जो आपने जो बोला, देखिए
एक एक छोटी सी कहावत है, बिकता वही है जो दिखता है। आप मेरी बात को समझ गए? मैं इसको थोड़ा बहुत अच्छी पैकेजिंग में बात करूंगा, क्योंकि बिकता वही जो दिखता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी गवर्नमेंट पैकेजिंग पे ध्यान नहीं दे रही है जो कि उनको देना चाहिए, कि अब हमने क्या क्या किया। हाँ, मैं मानता हूं उनका सोशल मीडिया है, वो जो लाइव जो उनको बुहार एक गैप है कम्युनिकेशन गैप, जो कि बोल नहीं पाते हैं लोगों को कि भैया हम ये कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वहां पे बीजेपी की जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो उसमें वो कमी है। दे शुड हैव ए प्रॉपर मीडिया सेल। आप देखिए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी जब होता है, आप देखिए डेली वीडियो कॉल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अभी भी होती है। अब देखिए कोरोना पे इंडिया में क्या हुआ, पहले एक हफ्ता हुई उसके बाद बंद। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, रिपब्लिक से हमको सुनने को मिल रहा है या worldometer.info वेबसाइट से हमको पता चल रहा है कितने मरे हैं, कितने क्या हुआ। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बंद की आपने, पता ना आपको मार्च और अप्रैल में डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी शाम को 5 बजे IST में, फिर बंद कर दी। आप डेली बेस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकते कि आज दिन में आपने क्या किया, दोनों ब्यौरा। सर, जब मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय होके मैं निकलने से पहले अपने मैनेजर को मेल डालता हूँ, डियर सर, आई हैव डन दीज थिंग्स आर डन एंड टुमारो आई विल बी डूइंग दीज थिंग्स एंड सेंड देम मेल, गुड बाय, और मैं निकलता हूँ। तो वो भी करो ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या हर्ज है। डेली का रिपोर्ट दो भैया, आज ये हुआ, चलो रियल टाइम नहीं है, हफ्ते वाइज करो, संडे को एक ये करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस हफ्ते हमने क्या किया है, लोगों को बताओ, किसने रोका है। सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन, दैट शुड बी डन। तो वो जो मैं, आप मन की बात करते हो सर, मन की बात में आप नहीं बता सकते आपने क्या किया, यू आर ए PM, यू कैन नॉट टेल आपकी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। आपके लिए आपको एक डिपार्टमेंट है, उसका स्पोक्स पर्सन है जो कि हर एक डिपार्टमेंट का रिपोर्ट कार्ड देगा, एक हफ्ते में हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। पार्लियामेंट हर कोई सुनता नहीं है सर, पार्लियामेंट में आपने क्या बोला मुझे नहीं समझ पता चलता, क्योंकि आई नेवर वॉच पार्लियामेंट लाइव। तो ये चीजें भी हमको ध्यान देनी है कहीं ना कहीं, कि इनको ये ध्यान देना है कि अगर नेगेटिव पब्लिसिटी को आपको तोड़ना कैसे, आपको आगे आके बोलना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा। आप बात से पीछे मुंह मोड़ के आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे, मुंह मोड़ के आप यू विल ओनली प्रूव दैट यू आर अ लूजर। यू हैव टू डिबेट, यू हैव टू कम फॉरवर्ड। अभी आज एक जयशंकर जी का एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें एक किसी पाकिस्तानी है क्या है, उसने कमेंट डाले कि फ्री कश्मीरी वो ये, मैंने उसके सिंपल लिखा आई एम ए कश्मीरी, टॉक टू मी, चुप हो गया, भाग गया बंदा। सर, डिबेट करने के लिए जिगरा, आप तभी डिबेट कर सकते हो जब आप सच हो। तो द वे एनडीए गवर्नमेंट इज डूइंग, मुझे नहीं लगता फिर वो सच है। अगर वो सच है तो आओ बताओ, अपना ब्यौरा दो, हर वीकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, किसे रोके आप। यहाँ पे मैं एक थोड़ा डिफर करता हूँ आपसे, कि अगर मैं नहीं बोलता हूँ और मैं चुपचाप काम करता हूँ तो मेरे ना बोलने से मैं गलत नहीं हो जा रहा हूँ, नंबर वन। मैं उस पे एक सेकंड, मेरे को कंप्लीट करना, मेरे को। बट हैविंग सेड दैट, आप IT में, आप इंटरनेट में, आप मीडिया में कहीं ना कहीं आप एक्टिव हो, तो ऑल यू नीड इज अ टीम who will just collect the basic details of what you've done and throw out to the people in whatever way it can. Aap mat bolo, chalo, aap kaam karte raho. Kyunki 70 saal, ek 70 saal ke baad ek PM mila hai country ko jo kaam kar raha hai. To haan bhai, theek hai, aap kaam karo. But aap jo kaam kar rahe ho, wo koi na koi aapka report, bhale aap nahi do, par wo at least दूर से ऑब्जर्व करके, उसकी नोटेशन करके आपसे एक ऑथेंटिकेट करा ले कि भाई हाँ ये है, और वो बंदा आपका बोल दे कि भाई हमने ये पिछले हफ्ते में, पिछले एक महीने में ये काम किया। योर एवरी सेकेंड, क्योंकि आप दिन के 17-18 घंटे काम करते हो, तो वी डोंट वांट कि आपके 5-10 मिनट भी ये बतौलेबाजी में वेस्ट करें। बहुत लोग हमारे जैसे पड़े हुए। देखो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि PMO का स्पोक्स पर्सन होता है, तो ही दे कैन कम एंड जस्ट गिव ब्रीफिंग, भैया हमने इस वीक क्या क्या किया, कितने किलोमीटर, जो वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो वो लोगों को भी तो बोलो ना। हाँ, वही कह रहा हूँ, वो एक स्ट्रक्चर्ड होता है वे ऑफ रिपोर्टिंग, वो आप छोड़ दो पब्लिक में।
आई थिंक हमने बहुत अच्छा एक ये डिस्कशन किया इसके बारे में, तो लोगों से मैं लास्ट बारी एक इल्तिजा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप अगर बिल में खामियां हैं, बिल खराब नहीं है, बिल में कमियां हैं, तो कमियां दूर की जा सकती है, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बोला है क्या दो मेजर कमियां हैं जो मैंने ऑलरेडी बोली है। एक तीन कमियां थी, एक तो लीगल का था, जुडिशरी में नहीं आ रहा था, लेकिन वो आज मैंने सुना हुआ है कि वो इशू हटा दिया, अभी फार्मिंग का जो इशू है, इट विल कम ऑन ये जुडिशरी एक्ट, तो वो तो ऑलरेडी हट गया है। अभी जो दो इशू थी वो फिर से मैं बताता हूँ अपने श्रोताओं को कि एक है ये आयोग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आयोग होना चाहिए, दूसरा किसान आधार कार्ड। ये दो जैसे ही लागू होंगे, मैं बताता हूँ, इट दैट विल बी द एक्चुअल फार्मर फार्मिंग रिफॉर्म बिल, जिस बिल में वो दो चीजें आएंगे, जिस समय ये जो दो बिल अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, इट विल बी मोर देन सीएए एंड मोर देन 370 का जो आर्टिकल उन्होंने एब्रोगेट किया, उससे भी बड़ा बिल ये हो सकता है। ये दो चीजें करनी है, किसान आधार कार्ड और एक किसान का एक आयोग जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ध्यान दे। तो आई थिंक उसी के ऑन दैट नोट हमें अभी इजाजत देनी चाहिए अपने श्रोताओं से, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। सो विपुल जी आप क्लोज करता हूं मैं। धन्यवाद राकेश भाई, आप आए और आपने बहुत विस्तृति में बात करी, एक डिटेलिंग में बात करी, एंड आई बिलीव हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक इनसाइट मिली आज के इस डिस्कशन से। तो व्यूअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके अगर कोई कमेंट्स हैं, आपके कोई सजेशंस हैं, तो आप नीचे लिखें। आप हमसे भी एक्सपेक्ट अगर कुछ कर रहे हो तो यू कैन राइट टू अस। दूसरा, इस वीडियो को आप थम्स अप दें, हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं, और इस वीडियो को या हमारे जो चैनल पे जो भी वीडियोस हैं जिसमें अगर आपको वैल्यू लगती है तो वो आप कृपया शेयर करें अपने ग्रुप सर्कल में, ताकि आपका ये जो सपोर्ट है, एक थम्स अप वाला, एक कमेंट वाला, एक सब्सक्रिप्शन वाला और एक शेयरिंग वाला, दैट गिव्स अस मोर स्ट्रेंथ, मोर एनर्जी टू डू मोर वर्क फॉर यू गाइज। हाँ, बीच बीच में हम थोड़ा सा कहीं बिजी हो जाते हैं, बट एट द एंड द होल ऑब्जेक्टिव और द ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग मोर वैल्यू टू यू, बिकॉज यू हैव गिवन योर वैल्यूएबल टाइम टू हियर अस। सो इसी के साथ आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस वीडियो। Thank you very much and see you soon in our next video. Thank you. Namaskar.